नमस्कार, इंडियन वेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पारंपरिक रूप से बनने वाली ये ठंडाई। ये हमारे यहाँ होली में और गर्मी के मौसम में जरूर बनती है। ये काफ़ी पौष्टिक होती है, स्वादिष्ट भी होती है, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ठंडाई बनाना। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। गर्मी शुरू हो गई है, होली भी है, तो ठंडाई बनाना तो बनता है। आइए देख लेते हैं ठंडाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले ये 20 से 25 बादाम ले लिए हैं। ये 2 टेबल स्पून मगज के दाने हैं। वाटरमेलन सीड्स, ये काजू हैं, ये भी करीब 25 दाने हैं। साथ में ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं सूखी हुई, करीब 3 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून के लगभग खसखस है, पॉपी सीड्स। ये 2 टेबल स्पून सौंफ है मोटी वाली। साथ में 10 दाने काली मिर्च के, 4 इलायची और बहुत थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी, बहुत थोड़ा सा जायफल भी लगेगा, इसका करीब 1/4 छोटा चम्मच। अब एक बाउल लेंगे और इन सभी चीजों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। बादाम, काजू, ये वाटरमेलन सीड्स, ये सौंफ के दाने, गुलाब की पंखुड़ियां, साथ में ये जो खड़े मसाले हैं, छोटी इलायची, काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी और जायफल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें ये खसखस के दाने भी डाल देंगे। इन्हें हम रात भर के लिए भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसमें खौलाकर पानी डालें और आधे घंटे में ये फूल कर तैयार हो जाएंगे। अभी हम इन्हें रात भर के लिए भिगो रहे हैं। पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह भीग जाएं। इन्हें हम ढककर रख देंगे। आठ घंटे हो चुके हैं, ये पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिया था। किशमिश ये बाद में मैंने भिगोई थी, करीब 3 बड़े चम्मच किशमिश है। इन सबको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। पेस्ट बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसका सारा पानी भी इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह सभी सामग्री इसमें गिरा देंगे। किशमिश भी डाल देंगे, इसको भी पानी के साथ ही डाल दिया है। पेस्ट तैयार हो गया है, इसे एक बाउल में पलट लेंगे। पेस्ट मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाया है, इसे आप फ्रिज में रख के और जब बनाना हो तब तुरंत बना सकते हैं। फ्रिज में 2-3 दिन आराम से चल जाएगी। पेस्ट तैयार हो गया है, ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना है। आप इसे चाहें तो छान सकते हैं, छान के जो इसमें थोड़ा बहुत निकले उसको बाद में पानी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन ये पेस्ट काफी अच्छा बना है इसलिए हम इसे छानेंगे नहीं। ऐसे ही एक जार लेंगे मिक्सी का और उसमें एक बड़ा चम्मच पेस्ट डाल देंगे। करीब 2 गिलास के लगभग दूध डालेंगे, 2 गिलास बना रहे हैं हम। बहुत थोड़ा सा जायफल पाउडर
इसमें डाल देंगे। दालचीनी और जायफल पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। मीठा आप बाद में अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें शुरू में मैंने मीठा इसलिए नहीं ऐड किया कि ये बिना चीनी के भी पिया जा सकता है। इसमें किशमिश पड़ी है, हल्की मिठास है। हम कुटी हुई बर्फ डाल देंगे, थोड़े गुलाब की पत्तियों से सजाकर परोसेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी ठंडी ठंडी ठंडाई। इसे हम गर्मी में भी बनाकर पीते हैं और होली में तो जरूर ही बनाया जाता है। ये ट्रेडिशनल रूप से बनने वाली ठंडाई है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप बना डालिए और अपने मेहमानों को सर्व करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।